नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। और आज हमारे साथ जुड़ने वाली है डॉक्टर शशि बाला, जो कि एचओडी है आयुर्वेदा की मूलचंद हॉस्पिटल में। काफी सीनियर डॉक्टर हैं, आज उनसे मुलाकात करेंगे। महिलाओं की क्या समस्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। धन्यवाद डॉक्टर। महिलाओं की बहुत सारी समस्या होती है, लेकिन महिलाएं फिर भी आयुर्वेदा के पास ना जाकर एलोपैथी की तरफ रुख कर लेती हैं, ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन में आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको थोड़ा सा समय का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि ये एक धीमा धीमा ट्रीटमेंट है। इससे एकदम से आप एक्यूट कंडीशंस को आप इमीडिएटली ठीक नहीं कर सकते हैं। आपको अगर किसी डिजीज को जड़ से हटाना है तो आयुर्वेदा का सबसे बड़ा रोल है। और इसीलिए क्योंकि इट इज अ स्लो एक्टिंग ट्रीटमेंट, तो लोग सोचते हैं कि हमें जल्दी जल्दी आराम मिल जाए। आजकल फास्ट वर्ल्ड है तो लोग सोचते हैं हमें जितनी जल्दी ठीक हो जाए हम उतना अच्छा रहेगा, पर ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर हम अपने आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल की जानते हुए अगर हम ट्रीटमेंट ले तो हम उस डिजीज से, उस व्याधि से हम पूर्णतः संपूर्ण रूप से अलग हो सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, महिलाओं की बहुत सारी समस्या होती है। कई बार होता है, देखिए हम वो समस्याएं बता देते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, कंसल्ट करते हैं, लेकिन कई बार कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो नहीं बता पाती हैं खुलकर, और फिर ये जो छोटी छोटी बीमारियां हैं वो गंभीर रूप ले लेती हैं। सबसे पहले तो ये जानने की मैं कोशिश करूँगी कि जो महिलाएँ आपके पास आती हैं ट्रीटमेंट के लिए, उन्हें किस तरह से आप तैयार करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि जागरूकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले तो जो भी पेशेंट आता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसको ये बात अच्छी तरह से समझाया जाता है कि अपने डॉक्टर से हर तरह से खुलासा करके बात करिए। क्योंकि जब तक आप अपनी बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप उसका इलाज भी नहीं कर पाएंगे। खासकर महिलाओं में जो बीमारियां होती हैं, या तो कमर में दर्द होता है, सफेद पानी का आना जैसे लिकोरिया होता है, या फिर कहिए कि बहुत पेनफुल पीरियड्स होते हैं, और स्पेशली व्हेन द यंग गर्ल्स आती हैं और उनको बहुत पेन होता है, तो उस टाइम पर उनको बहुत शर्म आती है बताने के लिए कि हमें पीरियड्स की प्रॉब्लम है, हमें पेट में बहुत दर्द होता है, उस टाइम हम काम पर नहीं जा सकते हैं, और उसके कारण से वो अंदर ही अंदर बहुत सारी बीमारियों को अपने अंदर घर कर लेती हैं। तो इसलिए हम हमेशा समझाते हैं कि भैया अपने डॉक्टर के पास जाइए, उसको अच्छी तरीके से अपनी बीमारी का ठीक प्रकार से बताइए, जिससे कि आप उसको इलाज भी ठीक से होगा और आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो डॉक्टर, उनको मानसिक रूप से तैयार करना पड़ता है। हर एक मरीज को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ता है। बिल्कुल डॉक्टर, पीरियड्स का जिक्र किया है। आजकल हम देखते हैं कि जो पीरियड्स है वो बहुत जल्दी, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं 10 साल की हैं, 11 साल की हैं, उन्हें होने लगे हैं, फिर वो इतना ज़्यादा पेन जो कि बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। कई बार होता है कि पीरियड्स में खून ज़्यादा बहता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है जो बेरेबल नहीं होता है। क्या समस्या हो सकती है? क्या हमारा लाइफ स्टाइल इस पर काफ़ी ज़्यादा असर करता है, या कुछ और वजह हो सकती है? आयुर्वेदा में किस तरह से इलाज है इसका? देखिए, ऐसा है कि एज ऑफ मीनार के मतलब कि पीरियड जब किसी भी लड़की को शुरू होते हैं तो वो आजकल जो है वो एज ऑफ मीनार के बहुत छोटी हो गई है। पहले तो 14 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चों को पीरियड शुरू होता था। अभी क्या होता है कि 9 साल, 10 साल के बच्चों को, जबकि हम समझते हैं कि उनको किसी भी तरीके से एक बुद्धिमत्ता नहीं है उस बारे के बारे में, फिर भी उनको पीरियड शुरू हो जाता है और उसको संभाल पाना उनके लिए बहुत परेशानी का एक कारण बन जाता है। लेकिन जो एज ऑफ मीनार के आजकल जल्दी आई है वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से आई है। अगर हम पुराने जमाने में देखेंगे तो लड़के और लड़की के खान पान में कि हमारे एक मेल और फीमेल को बहुत एक डिफरेंस दिया जाता था। हम समझते थे कि लड़के को ज्यादा एक क्या कहते हैं ना, इम्पोर्टेंस दी जा रही है और लड़की को कम इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो उसके खान पान में बहुत डिफरेंस हो जाता था।
तो अब आजकल क्योंकि जो लड़के खाना खाते हैं वही लड़कियां खाना खाती हैं, जो लड़के जिस तरह की एक्टिविटीज करते हैं लड़कियां भी, क्योंकि अब हम सब बराबर हैं, तो उसकी बराबरी के चक्कर में हमारा एज ऑफ मेनार्के थोड़ा सा जल्दी हो गया है। और उसकी वजह से जब हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं रहता कि जैसे जिस वक्त पीरियड हो तो हमको रेस्ट करना चाहिए, हमें ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए, हमें ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तो बच्चे उस वक्त भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत एक्यूट पेन या फिर पीरियड बहुत हैवी फ्लो होना शुरू हो जाता है। अगर हम आयुर्वेदिक तरीके से बात करें, इसमें कई कारण, कुछ अलग अलग बीमारियां भी होती हैं, जैसे कोई एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है किसी बच्चे को, या किसी को पीसीओडी हो जाता है जिससे कई बार अर्ली पीरियड आते हैं, किसी बार लेट पीरियड आते हैं। तो इसमें अगर हम बोले तो हमारा आयुर्वेदिक सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें आपका लाइफस्टाइल बताया गया है। लाइफस्टाइल से मतलब है कि आप किस प्रकार का खाना खा रहे हैं, आप किस प्रकार की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप किस प्रकार के रहन सहन में रह रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल देखिए, अगर हम बोलते हैं कि तीन पिलर, देर आर द थ्री पिलर्स ऑफ आयुर्वेदा, वन इज द डाइट, सेकेंड इज द एक्सरसाइज, थर्ड इज द स्लीप। तो स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नींद उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हम रोज के काम करते हैं। और हम लोग आजकल मोबाइल वर्ल्ड में रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में रहते हैं, तो किसी को नींद का कोई समय नहीं है। तो अगर हम प्रॉपरली सोएंगे नहीं, अपने मानसिक तनाव को कम नहीं करेंगे, हम खान पान में ज्यादातर जैसे कि बहुत ज्यादा गर्म मसाले का इस्तेमाल नहीं करें, हम ज्यादा फल और सब्जियों का, जिसको एल्कलाइजर शब्द बोल देते हैं, कि उनका इस्तेमाल करें, तो हमारे क्या होगा कि पेट की संबंधित बीमारियां कम रहेंगी, जैसे कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, इनडाइजेशन नहीं रहेगा। हमने देखा है कि जिन बच्चों को ज्यादा कॉन्स्टिपेशन या इनडाइजेशन रहता है, उन्हीं को ज्यादा पेनफुल पीरियड्स होने के चांसेस ठीक है होते हैं। मैम, तो उस तरह का पीरियड्स ट्रीटमेंट, कितना लेट होना एक चिंता की वजह बन जाता है? क्या बोले आप, पीरियड्स मेरे को कितना सुनाई लेट नहीं होना एक चिंता की वजह बन जाता है? मतलब कितना दी। लेट पीरियड बिल्कुल होता है कि जब हमें चिंता होने लग जाती है? देखिए, अगर आजकल के हिसाब से देर आर द थ्री फैक्टर्स, एक तो आपकी एज ऑफ मेनार्के इज 10 to 11, कि पीरियड किसी भी बच्चे को 10 से 11 साल की उम्र में शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन जहां भी बच्चा 14 साल 15 साल का होता है, तो माँ बाप को बहुत चिंता हो जाती है कि कहीं इसको कोई और इशू तो नहीं है, तो वो फटाफट डॉक्टर के पास भागते हैं, फिर उनका अल्ट्रासाउंड कराकर कि नहीं सब कुछ ठीक है, तो किसी और कारण की वजह से डिले हो गया। सेकेंड होता है कि हमें पीरियड तो शुरू हो गए, लेकिन हमें जो कि 28 से 30 दिन के बीच में आ जाने चाहिए, वो हमें कभी 40 दिन में आ रहे हैं, कभी हमें 3 महीने में आ रहे हैं। तो वो जी ज्यादातर हमारे कुछ हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से या फिर हमारे खान पान की वजह से लेट हो जाते हैं। तो ये दोनों कारणों में एक चिंता बन जाती है, स्पेशली माँ बाप के लिए। इसके अलावा अब देखिए, पीरियड्स में एक टैबू बना दिया गया है आजकल, तो बहुत सुविधाएं महिलाओं के लिए हैं, सैनिटरी नैपकिन्स हैं, टेपन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो पीरियड्स में एक दिन में जब हम पैड का इस्तेमाल करते हैं, तो कितनी बार हमें पैड चेंज करना चाहिए अगर हाइजीन की हम बात करें तो? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब जो ऑफिस गोइंग महिलाएं होती हैं, बार 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 पैड नहीं चेंज हो पाता, तो क्या इन्फेक्शन हो सकता है? और अगर ऐसा होता है तो आयुर्वेदा में इसका क्या इलाज है? देखिए, ऐसा है कि जब तक हम ब्लीड करते हैं, जो ब्लड निकलता है हमारे शरीर से, उसी को पीरियड बोलते हैं, कि जो हमारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, जब उसका शेडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड अ मेंस्ट्रुअल साइकिल और द पीरियड। वो जो ब्लड होता है वो अनइन्फेक्टेड होता है, लेकिन जैसे ही वो ऑक्सीजन के, एयर के टच में आता है, तो उसके अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, जी उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए जब भी पीरियड होता है, तो हमें हर हालत में 4 घंटे के अंतर में जरूर हमें पीरियड के टाइम पर सैनिटरी नैपकिन या जो भी हम पैड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको जरूर चेंज कर लेना चाहिए। एक जो बोला जाता है ना, कि जो सैनिटरी नैपकिन जो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और कोई बात नहीं कि हमने सुबह से लगाया शाम तक वो, तो आपको ये सोचना है कि जब वो इतना ब्लड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो आपके स्किन के साथ कितनी स्वेटिंग
प्रोड्यूस करेंगे। बिल्कुल। जब वो पसीना आता है तो उससे स्किन रैशेज हो जाना, बहुत ज्यादा इचिंग हो जाना, वेजिनाइटिस हो जाना और बहुत अजीब सी एक इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस कारण से हमें हमेशा हर 4 घंटे में पैड जरूर चेंज करना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, किसी कारण से अगर हमें इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें आयुर्वेदा में बहुत अच्छी मेडिसिन और ट्रीटमेंट बताए गए हैं। स्पेशली इसमें एक त्रिफला, त्रिफला एक बहुत ही पॉपुलर मेडिसन है, बहुत ही कॉमन, एवरीबडी आई थिंक सबके घर में त्रिफला होता ही है। ये 3 चीजों से बनता है, हरड़, बेड़ा और आंवला से। इन तीनों के योग से जो त्रिफला बनता है उसको पकाकर आप उसका एक काढ़ा टाइप का, एक चाय टाइप का बनाकर उससे अगर आप उस एरिया को वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, या एक सिट्स बात कहते हैं कि जैसे चिलमची के अंदर बैठ जाना, अपने वेजाइनल पोर्शन को डिप कर लेना, तो उससे किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन होता है वो क्लियर हो जाता है। इट एक्ट्स एज ए वेरी गुड एंटीसेप्टिक लोशन, तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। प्लस इसके साथ साथ इसी को अगर हम खा लेते हैं आधा चम्मच रात को खाना खाने के बाद, तो उसे एक तो पेट का इन्फेक्शन भी निकल जाता है, पेट भी अच्छी तरह से साफ हो जाता है, तो हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है मैम, इसके अलावा सैनिटरी नैपकिन्स का हमने जिक्र कर लिया है। आजकल मार्केट में टैम्पोन्स और मेंस्ट्रुएशनल जो कप है वो बहुत ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ गई है, क्या ये हार्मफुल है? इसके जो मिथ है, कहा जाता है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप आगे जो आपकी मैरिड लाइफ है वो इफेक्ट हो सकती है, कुछ वजह ऐसी? देखिए ऐसा होता है कि टेम्पूज और कप्स का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि हमारी जो वेजाइनल ओपनिंग्स हैं, जब वहां की जो मसल्स हैं वो बहुत ही फ्लैसिड हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं। जब वो लूज हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं आपको इन द मेकिंग योर रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड और विद योर पार्टनर, देन इट विल बिकम वेरी लूज ऑल्सो और उसकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। तो उससे आपकी जो अर्ज टुवर्ड्स द सेक्स है that also sometimes finishes. And the third thing, at the time of pregnancy, जब आपकी loosening of the muscles हो जाती है तो आपके miscarriage होने के chances भी बहुत रहते हैं। तो इसलिए, और secondly, when हम use the tampon, तो हम उसको बहुत immediately change नहीं करते हैं। I told you कि जब भी जैसे ही खून air के relation में आता है तो उसमें infection grow होना शुरू हो जाता है। So there are the big chances to get the infection also. ठीक है, और पीरियड्स में हम लोग जो ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, वो पेन किलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लगी हैं। पेन किलर कितना हानिकारक हो सकता है एक महिला की हेल्थ के लिए अगर वो पीरियड्स में रेगुलर पेन किलर खा रही है तो? देखिए ऐसा होता है कि ये कह सकते हैं कि या तो हमारी बियरिंग कैपेसिटी कम हो गई है पेन को बियर करने की, या सेकेंडली जब हमारे को बहुत पेन होता है तो उसके कारण ओनली सिर्फ पीरियड नहीं होता है, उसमें पीरियड के साथ साथ अगर हमें अंडरलाइन कोई डिजीज है जिसकी वजह से हमें बहुत पेन, अंडरलाइन डिजीज में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी हो सकता है, अंडरलाइन डिजीज में एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है, अंडरलाइन डिजीज में पीसीओडी भी हो सकता है, और अंडरलाइन डिजीज में कुछ ओवेरियन सिस्ट टाइप का भी हो सकता है। तो अगर हम अंडरलाइन डिजीज को इग्नोर करके हम ये सोचते हैं कि पेन किलर खा लें हमारी जिंदगी चलती रहेगी, बट वी आर इग्नोरिंग अवर बॉडी, कि उससे क्या होता है कि कल को वो डिजीज अंदर अंदर बढ़ जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि अगर सिस्ट है, सिस्ट की वजह से आपको पेन हो रहा है और आपने सोचा कि मुझे तो पीरियड की वजह से पेन है, तो वो कई बार सिस्ट सडनली रप्चर हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, एंड देन इट विल बी अ ग्रेट इमरजेंसी। तो इसलिए ऐसे ही मूंगफली की तरह, चने के दाने की तरह पेन किलर नहीं खाने चाहिए, क्योंकि पेन किलर इटसेल्फ हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट्स ऑल्सो। हमेशा किसी डॉक्टर के पास जाकर उससे सलाह लेकर कि हमें इतना पेन किलर खाना पड़ता है, तो उस रीजन को जानना चाहिए और उस रीजन का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैम और भी सवाल ये है कि हेल्दी वजाइना का पीएच लेवल क्या होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि आप इससे पीएच लेवल जो है वजाइना का वो सही रहेगा, ये वाला वॉश या ये सोप या फिर ये कुछ लिक्विड,
इससे आप वजाइना क्लीन करिए, लेकिन जितना हमने सुना है, जितना हमने पढ़ा है, आप तो बहुत बेहतर जानती हैं कि वजाइना एक ऐसा ऑर्गन है, ऑर्गन कह सकते हैं हम इसे, कि ये सेल्फ क्लीनिंग है। नहीं, सेल्फ क्लीनिंग है, बट इट इज अ लिटिल ह्यूमिड एरिया ऑल्सो। तो उसमें क्या होता है कि वहां पर जैसे किसी बारिश में कहीं पर सीलन आ जाती है किसी घर के अंदर जी। और जब सीलन आती है ना आपकी, तो पाइपलाइन है अच्छी तरह से चल रहा है, फ्लो चल रहा है, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर वहां पर किसी कारण से, किसी की वजह से आपके उधर इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वहां पर कुछ पाइपलाइन में कुछ फट गया या आपकी दीवार में सीलन आ गई है। जब वो सीलन आ जाती है तो उस वक्त उस एरिया को एल्कली रखना ज्यादा बेटर है। तो उस वक्त हमें जरूर उस तरह की चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उस एरिया को हम पीएच वैल्यू को बढ़ा सके, जिससे कि वो एरिया एल्कली रहे। नहीं तो जितना एसिडिक होगा तो उसमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और रेगुलर में भी देखिए, वेजाइनल ओपनिंग, यूरिनरी ओपनिंग, इट इज वेरी नियर टू ईच अदर, इजंट इट? तो उसमें क्या होता है कि जब हम यूरिन पास करने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा विजाइना में भी वो यूरिन का टच हो जाता है। तो कई लोगों की आदत होती है कि यूरिन पास करने गए, उसको धोते नहीं, उस एरिया को ड्राई नहीं करते, तो वो भी एक इन्फेक्शन का कारण बनता है। और यूरिन तो हमारा एसिडिक ही होता है, तो इसलिए उस एरिया को हाइजीनिकली ड्राई रखना चाहिए, एल्कलाई रखना चाहिए। तो उसको एक मॉडरेट क्वांटिटी में हमें इन चीजों को यूज करना चाहिए। बट इट इज नॉट लाइक कि बिकम अ साइकोलॉजिकल इशू कि एवरी 10 मिनट्स इवन विदाउट पासिंग वी आर जस्ट वॉशिंग द एरिया, सो दैट इज आल्सो रॉन्ग। ओके मैम, इसके अलावा सवाल बहुत सारे हैं मैम, सवाल क्योंकि महिलाएं लगातार सवाल पूछती हैं, क्योंकि कई बार उन्हें झिझक होती है, बट जब कोई डॉक्टर हमारे साथ जुड़ता है और आप हमारे साथ जुड़ी हैं, तो बहुत सारे सवाल ये भी आ रहे हैं। इनमें से एक सवाल ये भी है कि जो 30 की उम्र के बाद, यानी कि 30 की जो महिला हो जाती है, कंसीव करने में क्या वाकई दिक्कत है या फिर ये सिर्फ मिथ है कि 30 अगर आप पार कर लेंगी तो आप शादी कर लीजिए जल्दी, बच्चे कर लीजिए, वरना 30 के बाद फिर दिक्कत होगी, बच्चे कंसीव नहीं कर पाएंगे आप, कुछ ऐसा है? नहीं, ये तो सच है कि 30 के बाद हमारा जो ओव्यूलेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो हार्मोनल हल्के से चेंजेस शुरू हो जाते हैं उस टाइम पर। सेकेंडली क्या होता है कि जब हम 30 की उम्र में पहुंचते हैं तो एक बहुत बड़े मानसिक तनाव में भी रहते हैं, और जब हम मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं देन ऑल्सो इट सप्रेसेस द ओव्यूलेशन एंड द हार्मोन्स ऑल्सो। और उसके साथ साथ हमारी जो मसल्स की एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जब बच्चा पैदा करना है तो यूट्रस में ग्रो करना है ना, तो उसको जब हमें ग्रो करने के लिए जो हमारी मसल फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो उसमें हमारे ज्यादा चांसेस होते हैं मिसकैरेज होने के। सबसे पहले कंसीव होने के वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारा ओव्यूलेशन पे इफेक्ट होता है, और हमारी जो एंटी म्यूलेरियन एक हार्मोन होता है जो कि हमारी एक एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स द स्पर्म, जो कि हमारी प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी है, तो वो उसकी जो कैपेसिटी है या उसका कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। तो इन कारणों से वी हैव टू बी कंसीव, इट इज बेटर टू बिलो 30 ईयर्स, बट आफ्टर 30 ईयर्स यस यू कैन कंसीव अप टू 35-38, यू कैन कंसीव अप टू 50 ऑल्सो टिल योर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन इज देयर, बट देयर आर टू मच चांसेस ऑफ जेनेटिक एनोमलीज ऑल्सो। और ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कितना हेल्दी है। देखिए, अगर हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है तो सबसे पहले आपका लाइफस्टाइल तो बहुत काम करता है। आपको अगर शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए तो मानसिक स्वास्थ्य भी चाहिए। आपका खान पान, आपका रहना, इवन आयुर्वेदा कहता है कि जिस मौसम में आप हो उस मौसम के अनुसार खाना तो आप खाएंगे, लेकिन उस मौसम के अनुसार कपड़े भी पहनिए, उस मौसम के अनुसार ही आपका उठना बैठना होना चाहिए। तो आपको देखिए, आप बहुत गर्मी है और गर्मी के मौसम में आप बहुत बिना मतलब ओपन एयर में ह्यूमिड वेदर में आप बहुत एक्सरसाइज करेंगे, आपको बहुत स्वेटिंग होगी, तो आपका इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा कि नहीं होगा, आप बेहोश भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं। तो इसलिए हर ऋतु के अनुसार, हर जिस एरिया में आप रहते हो
आयुर्वेद कहता है देश काल ऋतु, मतलब जिस स्थान पर आप रहते हो, जिस समय पर आप बात कर रहे हो और जिस सीजन में हो, उसके अनुसार आपका रहन सहन लाइफस्टाइल होनी चाहिए। जो इंसान इन चीजों का पालन करता है वो ज्यादातर स्वस्थ ही रहता है। बिल्कुल। और इसके अलावा कई सवाल ये भी हैं मैम कि कई लोगों ने पूछे हैं, तो इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि कई बार हम जब छींकते हैं या हंसते हैं या खांसते हैं तो यूरिन निकल जाते हैं अचानक, तो ये क्या प्रॉब्लम है? क्या ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है या फिर ये इसे सामान्य ही कोई बीमारी समझा जाए? नहीं, ये एक मेजर प्रॉब्लम है, इसको इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर की जो स्फिंक्टर मसल्स हैं वो लूज हो जाती हैं। इट इज बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। एक तो एज फैक्टर है कि जब हमारी एज बढ़ने लगती है तो उसकी वजह से हमारी मसल्स थोड़ी लूज होती हैं। स्फिंक्टर मसल एक इलास्टिक की तरह होता है, जैसे कि एक इलास्टिक को आप गर्म पानी में डाल दीजिए या बहुत पुराना हो जाता है तो वो ढीला हो जाता है, तो ऐसे ही हमारी यूरिनरी ब्लैडर की स्फिंक्टर मसल लूज हो जाती है, जिसकी वजह से एकदम से खांसते हैं या कुछ है तो यूरिन बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अगर हमें बहुत ज्यादा यूरिनरी इन्फेक्शन रहे तब भी हमें ये डिजीज हो सकती है। कभी कभी हमें कमर का दर्द रहता है कि कई लोगों को डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है, जिसमें कि आपका नर्वाइन कंप्रेशन हो जाता है लोअर बैक में, लंबोसेक्रल एरिया में, जिसको कहते हैं कि हमें, और 90% फीमेल्स कहती हैं हमारे कमर में दर्द होता है, उठते हैं बैठते हैं हमारे कमर में दर्द होता है। तो उसमें जो नर्व का कंप्रेशन होता है तो वो नर्व जो है सप्लाई करता है उन मसल्स को, यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स को, वेजाइनल मसल्स को, रेक्टल मसल्स को। तो कई लोगों की वो जब कंप्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है देन ऑल्सो आपका यूरिन इस तरह से पास हो जाता है, बट द मेन रीजन इज लूजनिंग ऑफ दोज पर्टिकुलर मसल्स। इसके अलावा मैम वाइट डिस्चार्ज का जिक्र शुरुआत में ही आपने किया, उस पर लेकिन ज्यादा बात नहीं हो पाई। वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होना और बहुत ही कम उम्र में होना, क्योंकि आज से हम पहले की बात करें, आज से 15-20 साल पहले की, तो मोस्टली होता था कि 30 के बाद या 35 के पास वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ज्यादा होती थी, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि 18, 17, 20, 25 की उम्र में वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है। ये कितना हार्मफुल हो सकता है हमारी ओवरी के लिए या पूरी बॉडी के लिए? देखिए, वाइट डिस्चार्ज हमारे पेल्विक एरिया, वेजाइनल एरिया से जब एबनॉर्मल सफेद रंग का डिस्चार्ज निकलता है उसको वाइट डिस्चार्ज कहते हैं, और इसको ल्यूकोरिया, एज ए वर्ड मेडिकली इसको ल्यूकोरिया और आयुर्वेद में इसको श्वेत प्रदर के नाम से जाना जाता है जी। इसमें ये दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल कि पीरियड शुरू होने से पहले 2-3 दिन पहले 90% लोगों को थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, जिसको नॉर्मल डिस्चार्ज बोला जाता है, इसमें कोई डिजीज का कारण नहीं होता है जी। लेकिन कई लोगों को ये डिस्चार्ज थ्रू आउट द साइकिल, मतलब पीरियड के बाद, खत्म होने के बाद भी पूरे महीने 24 घंटे उनको उनकी पैंटी गीली रहती है। जब आपका अंडरवेयर पैंटी गीली होती है तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं से कोई डिस्चार्ज हो रहा है और जो कि अच्छा नहीं है। इस डिस्चार्ज के होने के, जो छोटे बच्चों के लिए आप पूछ रहे हैं कि छोटे बच्चों में, छोटी लड़कियों में ये डिस्चार्ज क्यों होता है, इसके तीन कारण मुख्य हैं। एक तो जब आपके अंदर खून की कमी होती है उसकी वजह से होता है, दूसरा जब आप हाइजीन नहीं रखते हैं, आप अपने उस एरिया को साफ नहीं रखते हो तो उसकी वजह से होता है, और थर्ड जब आपके कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, स्पेशली जिनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे पेट में कई लोगों को टाइफाइड फीवर हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उन लोगों को भी छोटे बच्चों में वाइट डिस्चार्ज होता है। इस वाइट डिस्चार्ज को होने से अगर आप रोकते नहीं है तो ये हमारे शरीर में बहुत सारी चीजों को, बीमारियों को उत्पन्न करता है। जैसे पहला एनीमिया हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इसके दो तरीके के इलाज हैं, एक है जिसमें कि हमने लोकल यूज करते हैं कुछ, और कुछ ओरल मेडिसिन होती हैं। ओरल मेडिसिन में श्वेत प्रदर या ल्यूकोरिया के लिए कुछ हमारे आयुर्वेद में, जैसे पुष्यानुप चूर्ण होता है, सुपारी पाक बहुत कॉमन एक नाम है जो आम लोग सब लोग जानते हैं, या हम नीम का चूर्ण देते हैं, त्रिफला भी इसमें यूज करते हैं, गंधक भी यूज करते हैं। लेकिन इसका अगर वाइट डिस्चार्ज नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली
बहुत ज्यादा मात्रा में रह रहा है और कोई भी ओरल मेडिसिन नॉन स्टॉप देने के बाद भी उस पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा, तो उसमें आयुर्वेद में एक इलाज होता है, इसको कहते उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती एक वेजाइनल वॉश का तरीका है जिसको करने से हमने देखा है, बिकॉज आई एम वर्किंग इन दिस हॉस्पिटल मोर देन 24 इयर्स एंड वी हैव ट्रीटेड एन नंबर ऑफ केसेस ऑफ ल्यूकोरिया, जिसमें हम एक उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट करते हैं जो कि पीरियड के इन बिटवीन, जब आप पीरियड्स नहीं हो रहे होते हैं उस टाइम पर 8 से 10 दिन का एक वेजाइनल वॉश का तरीका है, जिसमें एक निग्रोध आदि करके एक, जैसे ये होते हैं ना निग्रोध आदि, मतलब जैसे वट वड का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, उसको हम एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानते हैं वाइट डिस्चार्ज को खत्म करने के लिए, तो उससे वॉश करते हैं और उसमें कुछ वेजाइनल पेस्ट्री टाइप की कोई मेडिसिन उसमें लगाते हैं, तो ये हमने देखा है इट हैज वर्कड वेरी वेल कि अगर हम कंटिन्यूअसली 3 महीने तक उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट कितना भी क्रॉनिक जरूरी है कि इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और उस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, झिझक मिटाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इलाज आयुर्वेदा के पास हर चीज का है। इसके अलावा मैम एक और सवाल ये है कि बर्थ कंट्रोल के कितने तरीके हैं? देखिए बर्थ कंट्रोल के देर आर, आयुर्वेद में ऐसे कोई अलग से कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं आती है, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एलोपैथिक में आती है पर आयुर्वेद में कोई बर्थ कंट्रोल की पिल्स नहीं आती है, तो उसमें तो यही है कि आप 2 तरीके ही उसमें, कि आप जब आपका फर्टाइल टाइम है उस टाइम पर इंटरकोर्स नहीं करें या फिर आप विड्रॉल डिस्चार्ज कर दें, कि जिस वक्त डिस्चार्ज होता है स्पर्म का वजाइना के अंदर उसको बाहर डिस्चार्ज कर दें, तो एज सच अगर बोला जाए तो आयुर्वेद में कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स या मेडिसिन नहीं आती है। ठीक है मैम, इसके अलावा बर्थ कंट्रोल जो पिल्स हैं वो लेना कितना खतरनाक हमारी बॉडी के लिए हो सकता है, हमारी हेल्थ के लिए हो सकता है, क्योंकि कई बार महिलाएं ऐसा करती हैं कि जाने अनजाने में कई बार पिल्स खा लेती हैं और फिर कई महिलाओं को हमने देखा है, आपके पास भी कई ऐसे पेशेंट्स आए होंगे जिनकी हालत बहुत बदतर हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे होते हैं। देखिए ऐसा होता है ना कि किसी भी चीज को आप दवाई के रूप में जरूरत के समय पे और अपने कितने टाइम के लिए डॉक्टर ने उसको दिया है उसका उपयोग करेंगे तो उनका कई चीजों में फायदा भी है और कई चीजों में नुकसान भी है। ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं ये सिर्फ हमारे को प्रेगनेंसी से नहीं बचाती हैं बल्कि कई बार किसी किसी बीमारियों में, जैसे कि मैं आपको बार बार एक बीमारी का बोल रही हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस करके एक बीमारी होती है फीमेल्स में, जिसमें जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो यूट्रस के अंदर बनने की जगह वो बाहर इंटेस्टाइन में अलग अलग शरीर के अंगों में बन जाती है, तो उस लाइनिंग को रोकने के लिए भी इस तरह की पिल्स दी जाती हैं, तो लेकिन उनका प्रयोग 1 साल या 2 साल के लिए एक डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में किया जाए तो ठीक है, अदरवाइज इन कंट्रोल पिल्स को कंटिन्यूअसली लेने से हमें बहुत सारी बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, लिवर डिजीज और बहुत सारे लोगों को कई बार यूट्राइन या ओवेरियन कैंसर भी हो जाता है। सो वन शुड टेक एवरीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन, नॉट लाइक एज सच। जी जी जी, एसटीडी क्या होता है और इससे कैसे हम बच सकते हैं? इट इज अ सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जैसे पुराने जमानों में बहुत ज्यादा गोनोरिया और सिफिलिस 2 करके डिजीजेस होती थी, अब एड्स इज ऑल्सो वेरी कॉमन डिजीज। ये तो जब तक आप सेफ सेक्स नहीं करेंगे तब तक आपका, जब भी आप एक अनसिक्योर सेक्स करते हैं तो उससे आपका जब म्यूकस मेम्ब्रेन अपने पार्टनर के म्यूकस मेम्ब्रेन से टच होता है तो उससे आपको इस तरह की डिजीजेस पैदा हो जाती हैं, और ये जो डिजीजेस हैं ये बहुत एक कैसे है कि बहुत ही क्रॉनिक और बहुत ही डिफिकल्ट टू ट्रीट हो जाती है, और सेकेंडली एक बहुत ही सोशल स्टिग्मा बन जाता है, जब आपको किसी इस तरह की डिजीज होती है तो आपका एक बहुत सोशल स्टिग्मा, क्योंकि आज भी हम सेक्स को एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच से नहीं देखते हैं। अगर हमारा किसी के साथ अलग हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इज अ डिफरेंट थिंग, बट इफ वी आर हैविंग ए मल्टीपल पार्टनर्स देन वी डोंट टेक इट एज अ वेरी होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग द लाइफ। तो इसको बचाने के लिए यही है कि सबसे अच्छा कि आपको एक तो मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, सेकेंडली जब भी आप सेक्स करें
सेफ सेक्स विद द सम काइंड ऑफ ए कॉन्ट्रासेप्टिव लाइक जैसे निरोध है या कोई इस तरह के प्रोटेक्टिव सेक्स मॉड्यूल्स लेकर तब आप इस्तेमाल करें, तभी आप इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू मैम। उम्मीद है कि जितने भी सवाल आ रहे थे पूछने के लिए उन सभी के जवाब लोगों को मिल गए होंगे, दर्शकों को मिल गए होंगे। आपका बहुत शुक्रिया इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मैम, और इस मुद्दे पर मुखरता से बात करने के लिए, क्योंकि बात नहीं हो पाती है। बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो हमारे साथ जुड़ी थी डॉक्टर शशि बाला, जो कि एचओडी हैं आयुर्वेदा के मूलचंद अस्पताल में, और उन्होंने बखूबी बहुत ही अच्छी तरीके से महिलाओं की जो परेशानियां होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, किस तरह से वो बीमारियां क्यों होती हैं, बचाव क्या होता है, बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने समझाया है। अगले सप्ताह फिर लौटेंगे किसी और डॉक्टर के साथ। फिलहाल के लिए शुक्रिया।